यूज करना चाह रहे हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म, जिससे आपको फाइल पहचानने, जिससे आपको किसी भी कार्य को कराने के लिए उस फाइल का, उस फाइल का काम पड़ता है तो आप लोग यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर हम लोग क्यों यूज करते हैं? अपना फायदा के लिए, सिस्टम का फायदा के लिए। तो सिस्टम का जो फायदा है और हमारा जो फायदा, दोनों में अंतर है। सिस्टम का क्या फायदा है? इसमें कोई फायदा नहीं है। हम उसको जिस तरह से हैंडल करेंगे उस तरह से हैंडल होगा ना वो, लेकिन वो हमको आप बोले रखे तो मेरे अकॉर्डिंग से लोग चल पाएंगे नहीं ना, होगा नहीं सर। आपको अभी कुछ इमरजेंसी काम करना है मान लीजिए, और सिस्टम आपको ग्रह मौके नहीं होंगे, ऐसा होगा नहीं होगा ना। तो हम लोग उसको ऑन करेंगे और उसको ऑन होना पड़ेगा, लेकिन अब उसमें हम लोग 500 MB का रैम लगाएंगे, 4 GB का काम करेगा, होगा अपना रिक्वायरमेंट डालेंगे उसमें, तब लोग हमको प्रोसेस उसके हिसाब से देगा। तो हम लोग सिस्टम को एक एक्सटेंशन देते हैं, एक एक्सटेंशन मतलब अपने यूज के लिए एक सॉफ्टवेयर देते हैं कि भाई तुम ये चीज लो और मेरे से ये काम करके दो, ठीक है। तो वो सभी अलग अलग फाइल नेम है, सबके अलग अलग है, जो भी यूज हो रहा है सबका एक्सटेंशन अलग अलग है। आप कभी देखेंगे .doc को .pdf में नहीं, .doc और .pdf क्या है? ये डॉक्यूमेंट में यूज होता है, कौन से डॉक्यूमेंट में? विंडो ऑफिस जो हम लोग यूज करते हैं, समझ में आया? विंडो ऑफिस नहीं समझ में आया? एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल का .xls एक्सटेंशन। आप कभी भी फाइल सेव करिएगा कंप्यूटर में, जिसका जिसका ऑन है या जिसका जिसका ऑन नहीं हो रहा है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तब आप अपना डॉक्यूमेंट जाके सेव करिएगा या एक्सेल जाके सेव करिएगा, या फिर आप लोग के पास है कोई एक्सेल फाइल तो देखिएगा लास्ट में .xls लगा हुआ है। एक्सटेंशन समझ में आया? बहुत फायदा यूज करनी है आप, यहाँ देखिए समझ में आया एक्सटेंशन किसको बोलेंगे? एक फुल फॉर्मेट का, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है तो कितना बड़ा लिखेंगे? डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा, मान लीजिए हमको यहाँ का नाम करना पड़ेगा तो bmk.document लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया जिसको पहचान में आ जाए, ये फाइल नाम का पहचान आ जाए, इसीलिए .doc डाल दिया गया। अब हमको लिखना पड़ेगा सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा इसी के माध्यम से। कहाँ से लिखा है काटिए इसको? जी जो उतना ही रहता है, बिल्कुल आप इंस्टॉल करते हैं ना, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी
जब आप इसमें इंस्टॉल करिएगा तो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आपको अलग से बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल जो है चीजें वो आपको ठीक है। अप्लीकेशन हो गया क्लियर, हार्डवेयर समझ में आ गया, इसको इधर से ले जाइए उधर से लेके आइए। सिस्टम में कौन सा ऐप इंस्टॉल किया जाता है, कोई भी कहां से यूज करें? सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारा चीज है, बहुत वेबसाइट हम यूज कर ही नहीं करते इसलिए बस। कितने करते हैं? कितने? अरे कितने? से कौन पढ़ रहे बताइए, कितने लोग हैं? कंप्यूटर, वेब, नेटवर्क। एक मिनट बोलिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी टाइप है और हर टाइप के अंदर और टाइप, ठीक है। मोस्टली एक होता है जो हमारे लिए काम करता है विंडो या कंप्यूटर ओएस, जो कि ये सिर्फ किसके लिए बना है? कंप्यूटर ओएस। ये सिर्फ ओएस किसके लिए बना है? कंप्यूटर। सिस्टम है मतलब पूरा सिस्टम लगा है तो ओएस। पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। पहले आप लोग ये समझिए कि पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं, हाफ सिस्टम को क्या बोलते हैं, उससे छोटा सिस्टम को क्या बोलते हैं। पर ये समझिए जो आपके सामने रखा हुआ है सिस्टम, जिसमें आपका डेस्कटॉप है, माउस है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, जितने भी चीज है आइटम अलग 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 असेंबल हो रखा है। असेंबल किया हुआ है ना इसको अलग अलग टाइप का, समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलेंगे, डेस्कटॉप। ठीक है, समझ गए? आप समझिएगा जो एक पार्ट में आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब कुछ है उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर तो पूरे चीज को कहा जाता है, पूरा ब्रह्मांड ही कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। आपके सामने जो चीज है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, समझ में आया? क्या बोलते हैं हम लोग? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप किस टाइप का होता है? हाँ, समझ गए? अब लैपटॉप किसको बोलते हैं हम लोग? उसमें कीबोर्ड भी रहता है, उसमें माउस भी रहता है, उसमें डिस्प्ले भी रहता है, उसमें कैमरा भी रहता है, सब कुछ क्या रहता है? अटैच रहता है सब कुछ, असेंबल एक ही जगह रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लैपटॉप। लैपटॉप। ये दोनों क्या है? ये दोनों कंप्यूटर है, इसको आप बोल सकते हैं कंप्यूटर। समझ गए? कंप्यूटर से बोलिएगा तो इन दोनों आएगा, और भी पार्ट है इसके, वो अलग बात है, ये दोनों मेंशन हो जाएगा इसके अंदर। तो एक किसी एक चीज का नाम या तो लैपटॉप बोलिए या तो डेस्कटॉप बोलिए, समझ में आया? आप समझिएगा कंप्यूटर ओएस किसको बोलते हैं हम लोग? जो या तो लैपटॉप के लिए बना हो या डेस्कटॉप के लिए बना हो, समझ में आ गया?